आप शिप को शाम की बात करिए तेरी छाओं के एपिसोड में 11 के प्रमो के बारे में। आज के एपिसोड में आप लोगों ने देखा हुआ आता राके वदीमा को भड़का जो है धमकाता है। वहीं वदीमा जो है अचानक से बेहोश हो जाती है और दूसरी तरफ उसे लेके जाता है और अच्छी खासी उसके मुंह पे थप्पड़ मारती है पूरे ऑफिस के सामने। कुछ लोग आते हैं उसे बेहोश कर जाते हैं और वहीं जो है उसकी नींद पहुंच जाती है टाइम पे, तो वहां पे उसको जो है कमरे में लिटा लिया जाता है। वहीं पे सलार लॉयल के पास जाता है तो उसको तो एक छोटी सी बच्ची तस्वर किया जाता है जो कि बेचारी अभी 18 साल की भी नहीं हुई है। और वहीं पे जो है सलार काफ़ी परेशान होता है ये सब कुछ दिखाने के लिए। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे उसका बाप कहता है कि तुम ज़्यादा उछलो मत, आज इस केस का फैसला हो ही जाएगा। वहीं जो है वो जफर का जो लॉयर है वो कहता है कि सब कुछ सॉल्व होने तक बच्ची को बाप के साथ भेजाए। बच्ची तो देखें अभी 2 साल की है बेचारी। और फैसला ये किया जाता है कि वदीमा मैडम अपने बाप जफर के साथ जाएंगी। वहीं पे वो जाता है और जाके उसके कज़न को अच्छी खासी फेंटी लगाता है और उससे कहता है कि आप बोलने की जरूरत भी मत करें, आप अपने बेटे को क्यों नहीं समझाते हैं वो। और वहीं पे एक एंट्री होती है एक नए किरदार की। अब देखना यह है कि नया किरदार सलार और वदीमा की ज़िंदगी में कैसा रोल जो है वो अदा करेगा, एक पॉजिटिव या फिर एक मज़ीद कोई नेगेटिव रोल आएगा इस ड्रामा सीरियल में। आपको क्या लगता है, आप भी अपनी रिकमेंड के ज़रिए जरूर दीजिएगा।